तो शमिता शेट्टी और राकेश बापट की शादी की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चली हैं। आपको बता दें कि शमिता और राकेश की जो नजदीकियां हैं वो बिग बॉस के घर से शुरू हुई थी। बिग बॉस ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे हमने देखा था कि इन दोनों में करीबियां आई, एक दूसरे के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक भी चली, लेकिन फिर भी एक दूसरे का प्यार हमने जरूर देखा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जब ये बाहर आए हैं तो कई लोगों का ये पूछना था कि क्या ये वाकई में एक दूसरे से प्यार कर रहे थे या शो के लिए सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही थी। लेकिन दोस्तों जो अच्छी बात हमने देखी वो ये कि इनका प्यार जो था वो असली था, और अब शो के बाहर आकर भी ये कई बार साथ में डेट पर जाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लाइव चैट से लोगों से बातचीत करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इसी वजह से अब इनकी शादी की अटकलें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चली हैं। लेकिन इनकी शादी से शिल्पा शेट्टी जो शमिता की बहन है वो कुछ खुश नजर नहीं आ रही। दोस्तों आपको बता दें कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट का जो रिलेशन है उससे शिल्पा शेट्टी खुश नहीं है, और शिल्पा का ये मानना है कि शमिता को राकेश से दूर रहना चाहिए। ऐसा शिल्पा इसलिए कहती हैं क्योंकि शिल्पा को लगता है कि शमिता एक बड़ी टीवी नहीं बल्कि फिल्म एक्टर है और उन्हें अच्छा लड़का इससे मिल सकता है। वहीं बात की जाए अगर राकेश की तो राकेश एक टीवी एक्टर ही है और कुछ चुनिंदा शोज में ही वो दिखे हैं। बस यही वजह है जिससे शिल्पा को लगता है कि उन्हें एक बेहतर पति ढूंढना चाहिए, एक बेहतर कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसमें काबिलियत हो उस तरह की जो उनके काबिलियत को मैच कर सके। तो शिल्पा का जो कहना है वो साफ साफ यही कहना है कि शमिता तुम बहुत काबिलियत हो, तुम काबिल लड़की हो और तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और तुम्हें इस तरह का कोई इंसान ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे इस काबिलियत को मैच कर सके। इसके साथ ही शमिता जब राकेश से मिलती है तो खुश जरूर रहती है, लेकिन शिल्पा जब राकेश से मिली तो उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को भी कुछ खास पसंद नहीं किया, उन्हें राकेश थोड़े ठंडे इंसान लगे और इसी वजह से शायद अब शिल्पा चाहती है कि शमिता इस तरह का कदम ना उठाए कि वो राकेश से शादी करे। एक्शन लाइफ की रिपोर्ट।